तो ये रही अपनी M550। तभी मैं बताता हूँ कि आप पुरानी जीप ऐसी कोई भी ऑन करते हो तो इसमें ग्रीसिंग पॉइंट भी कुछ है। मैंने एक बार ऑयलिंग पॉइंट के बारे में शेयर किया था, अभी ग्रीसिंग पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जो एक सिंपल ऐसे ग्रीसिंग मतलब अब ग्रीस गन इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी तो बेरिंग वेरिंग है अभी, लेकिन इस पॉइंट को छोड़ के तो हर कार के लिए कॉमन है कि ये ग्रीसिंग करना पड़ता है, व्हील हब ये सब। लेकिन कुछ पॉइंट हैं अपने ग्रीसिंग के लिए, अब ये कुछ पॉइंट अपने बोलेरो से मिलते जुलते, ठीक है, या पुरानी गाड़ियों से 100% मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसका पहले फ्रंट सस्पेंशन है, इसको ध्यान दो, इधर के तो नॉर्मल है ये जो बोल्ट लगे हैं कमानी में, लेकिन पीछे की जो देखोगे आप इस पर गंदी है, इसको थोड़ा साफ करो तो आइडिया आएगा। ये एक्चुअल में ग्रीसिंग नोजल है, यहाँ से ग्रीस करते पीछे के उसको। देखिए ये हो गया, फिर ये पीछे का सस्पेंशन, ये सस्पेंशन में भी यही हाल है, तो इसको भी ग्रीस करेंगे। ठीक है, और तभी कुछ पॉइंट नीचे के दिखाता हूँ। तो ये साफ्ट आप देखोगे ना, जैसे आप अपने में दो साफ्ट है, एक बोलेरो में सिंपल साफ्ट होगी, तो देखोगे यहाँ नोजल है ना, ये भी ग्रीसिंग के लिए। वो ग्रीसिंग इसलिए करते हैं, इसके अंदर जो गाड़ी आगे पीछे जाती है तो ये आगे पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो। अगर आप ग्रीसिंग नहीं कराओगे तो ये आपकी साफ्ट है ना, ये कट जाएगी थोड़ा यहाँ पे, तो उसे खट 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 बजने की आवाज़ आएगी। इसमें भी रीज़न है, आवाज़ यहाँ से आती है। तो ये पीछे वाले साफ्ट है, तो पीछे वाले साफ्ट में भी ये नोजल, इसको रिफिल करेंगे, इसको भी यहाँ पे भी आता है। पहले ये यू जॉइंट भी आता था ग्रीसिंग पॉइंट वाला, अब कंपनी ने हटा दिया, ग्रीसिंग पॉइंट नहीं आता, नहीं तो उसमें भी आता था। तो ये हो गया, तो टोटल मिला के सस्पेंशन में दो पीछे वाले में, दो आगे वाले में, और ये दो चार, मतलब छः पॉइंट हो गए सस्पेंशन में अपने आपके जीप के अंदर जो ग्रीस करने पड़ते हैं। तो ये जितने पॉइंट हैं टाइम टू टाइम इनको ग्रीस करने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो आप टाइम टाइम इनको ग्रीस कर लो। मैं ग्रीसिंग का भी वीडियो बनाऊँगा, तो ग्रीस करेंगे, इसके लिए लगेगी ग्रीस गन। ठीक है, वो भी वीडियो मैंने बना के रखा है, ठीक है, तो आप उसको देखना चाहो देख सकते हो, मैं कैसे फील करते हैं, किस क्वालिटी का जेल इस्तेमाल करते हैं, पूरी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ये आपको बता दिया एक आइडिया कि आपकी अगर कोई पुरानी जीप है, ऐसा नहीं कराएं M550 40 भी हो सकती है, जो CGI है, मेजर है, कमांडर है, अगर ये टाइप का आपका सस्पेंशन है तो यहाँ पे आएगा। और साफ्ट में तो कंपलसरी आपके बुलेरो में भी आने वाली है, थार्ड DI के अंदर भी आती, थार्ड CRD में भी आएगी, आगे साफ्ट आती हाँ उसमें भी आती है, तो उसको भी अलग वीडियो में लेंगे। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, एक ग्रीसिंग पॉइंट है जो ग्रीस करना है आपको, ठीक है, वो बिल हब को छोड़ के। ठीक है, तो खत्म करते वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, और आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने एक वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।